बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं उस्मान असगर, हाजिर हूं आपके नए व्लॉग के साथ। आज मैं अभी मैं जागा हूं। सुबह का आगाज जो है वो तिलावत से हुआ है। सूरह कहफ जुम्मे वाले दिन सुनने चाहिए, बड़ा सवाब है इसका। तो अभी थोड़ी देर में करते हैं नाश्ता, फिर उसके बाद शावर, फिर नमाज पढ़ने जाएंगे। फ्राइडे की जो भी रूटीन है वो सारी आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद, लेकिन उससे पहले वही रिक्वेस्ट कि आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को जरूर लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अभी नाश्ते का टाइम हो गया है, नाश्ता करते हैं। ये नाश्ता पड़ा हुआ है, साथ तिलावत और साथ साथ तिलावत सुन रहा हूँ और साथ नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद शावर लेंगे, फिर उसके बाद नमाज पढ़ने जाएंगे। लेकिन आप साथ साथ ही होंगे, शावर करने में साथ नहीं हो, वहां मैं अकेले ही जाऊंगा। नाश्ता हो गया जी, अभी बेगम साहिबा जो है दिन के खाने की तैयारी कर रही है। क्या बना रही हो? गोश्त। मसाले साले तैयार हो रहे हैं भाई साहब। बहुत लड़ाई जो है, तो अभी दिन के खाने की तैयारी है, उसके बाद मैंने करना है शावर, फिर जाऊंगा नमाज पढ़ने के लिए। आप साथ ही होंगे शावर करने में, पहले भी कहा है नमाज पढ़ने के लिए मेरे साथ रहेंगे। फिर उसके बाद कब्रिस्तान वगैरह जो मैं जाता हूँ उधर जाऊंगा। इसी तरह जो पूरे आज के दिन की रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूँ। जी सारे मसाले साले डाल दिए, पानी डाल दिया, अब इसको रखेंगे चूल्हे के ऊपर, ये पकेगा, फिर हम दिन के टाइम इसको खाएंगे। अभी टाइम हो गया है बच्चों को स्कूल से लाने का, सुबहान और इरफा को स्कूल से लाएंगे और हम आप भी जाएंगे मेरे साथ इरफा को लेने। और चलते हैं, अच्छा आओ जी चलते हैं। ये है अपनी फरारी, चलते हैं बच्चों को लेने स्कूल से। ओ आगे 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 मल्ला करी आगे। हाँ तो आगे बैठोगे ना तुम, वो पीछे नहीं बैठते, जिस जाओगे उधर से इधर बैठो, इधर 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 हाँ इधर बैठो, नहीं गर्म ठंडा। यहाँ पे स्कूल होने की वजह से बहुत ज्यादा रश है, यहाँ आगे इरफा का स्कूल है, इरफा को लेना है, फिर भगवान को लेना है, रश बहुत ज्यादा है। और हम साथ में साथ हैं, गर्मी लगती है? हाँ कह रहे जी नहीं लग रही, नहीं लग रही गर्मी। पाकिस्तानी जुगाड़, फुटपाथ फुटपाथ इस्तेमाल करो, फिलहाल है वो इसी तरह रास्ता मिलेगा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। ये आ गया इरफा का स्कूल, ये आ गया जी इरफा का स्कूल। इरफान अमान, इरफान अमान को आवाज लगा दिया भाई, बातें बाहर इरफा आ जाएगी अभी। ये आ गई इरफान अमान, आ गई है, दे दो बैग, दे दो बोतल। ये आ गई जी इरफा, आ गई इरफा, आ गई इरफा। भाई भी आया ना, आपका भाई भी आया, चलो बैठ जाओ जल्दी से, बहुत है। फिर चलते हैं आगे, साथ ही सुबहान का स्कूल है, सुबहान को भी लेना है। वो सामने सुबहान का स्कूल आ गया जी, ग्रेजुएटर आ गया, यहाँ से सुबहान को लेना है, हॉस्टल जाएंगे सीधा घर। बाबा जी सुबहान, सुबहान को बुला दे, सुबहान को। ये आ गया जी सुबहान भी आ गया, बैठो जी सुबहान साहब जल्दी करो, बहुत गर्मी है, चले घर। ये बैठ गए, इरफा इधर देखो, हाथ हिला दो सारों को, अभी चलते हैं घर। हम सब फुल पायलट पायलट पायलट, इधर देखो इरफा इरफा इरफा।
फुल खुश है भाई, कल परसों छुट्टी है, आ गया जी घर आ गया, बच्चे बहुत खुश है, बच्चे बहुत खुश है, इरफा बहुत खुश है। इरफा बैग कौन लेके जाएगा, बोतल कौन लेके जाएगा, खुशी में यार तुम हर रोज भूल जाती, क्या करती हो, ये बोतल भी पकड़ो अपनी, ये लो, ओए होए, चलो जी आओ उतर जाओ भाई साहब नीचे, चलो अंदर, अभी मैं भी आ रहा हूँ। आ गए जी घर, टाइम हो गया है, एक बज गया है, अभी नमाज का टाइम हो गया, करते हैं शावर फिर उसके बाद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। हो गए जी तैयार, बस बाहर हम जा रहे हैं जुमा पढ़ने के लिए, अभी चलते हैं मस्जिद। हम पहुंच गए जी मस्जिद में, बाइक हमने पार कर ली है सुबहान तक, आओ जी अब चले मस्जिद के अंदर। चलो आ जाओ अंदर, चलो अभी तकरीर चल रही है इंशाल्लाह, थोड़ी देर में अजान होगी, अजान यहाँ पे बहुत प्यारी होती है, इंशाल्लाह मैं अजान सारी रिकॉर्ड करके आपको जरूर सुनाऊंगा। हमने पढ़ ली है, अभी वक्त है कब्रिस्तान जाने का, चलते हैं कब्रिस्तान, फिर उसके बाद फिर खाना खाएंगे। हम आ गए जी कब्रिस्तान, ये कब्र है मेरे वालिद साहब की, पहले भी दिखाई है लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गई है, मेरी वालदा की है, और भी दिखाता हूँ आपको यहाँ पे मेरे किन किन रिश्तेदारों की, किन किन मेरे रिलेटिव्स कबरे हैं, जो मेरे चाचा की है रिसेंटली फोर्थ मार्च, तकरीबन 3-4 माह हो गए होंगे, ये उनकी है। ये मेरी जतीजी है इमरान भाई की बेटी थी, अभी है इमरान, और ये जी ये मेरे दादा की कबर है मोहम्मद अफसर, और साथ ही थोड़ा सा आगे चंद कदम पे और कब्रस्तान है, वहां पे मेरी दादी कब्र है, वहां पे भी जाएंगे, अभी चलते हैं उधर, अम्मी अबू की कब्र पे दुआ करते हैं, ये अपनी दादी अम्मा की कब्र पे सीढ़ियां उतर के, वो सामने नीचे जिसके ऊपर ये घास लगा हुआ है, ये एक वाली कब्र है, इसके ऊपर से घास भी थोड़ा हटाते हैं, थोड़ी सफाई करते हैं इसकी, फिर दुआ करते हैं, फिर जाएंगे घर। ये वाली कब्र है जी दादो अम्मा की असबर जान, और ये जो है ये मेरे भांजी हसन की है, वो भी छोटा सा ही था, फोत हो गया था, तो उसकी कब्र भी, उससे भी घास साफ करते हैं और इधर से भी साफ करते हैं, फिर दुआ करते हैं। दुआ हमने कर ली है, कब्र को भी हमने माशाल्लाह साफ कर दिया, उसको इसलिए अभी साफ नहीं किया क्योंकि उसको बहुत ज्यादा घास है, तो कोई चीज लेके आएंगे करंडी या कोई बेलचा वगैरह, उससे साफ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा है, फिर उसकी सफाई होगी कल या परसों इंशाल्लाह, मैं और सुभान साहब हम दोनों आएंगे, ठीक है जी, फिर हम इंशाल्लाह सारी कब्रों को एक बार फिर से सफाई करेंगे। अभी चलते हैं घर, जाके खाते हैं खाना। हम पहुंच गए हैं घर, सुभान लगा हुआ है माशाल्लाह, पेट पूजा जा रही है जी, सही जा रही है, छिके रखो। अच्छा जी हमारा खाना है, गोश्त बड़ा जबरदस्त किस्म का लग रहा है बना हुआ, अभी खाते हैं टेस्ट करते हैं, खाने के बाद मिलते हैं आपसे। अभी हो गया जी शाम का वक्त, अभी मैं छत पे आया हूँ, मौसम बड़ा अच्छा है इस टाइम पे, बाहर भी क्रिकेट शिकट चल रही है क्योंकि शाम का टाइम हो गया है,
पता बच्चे शाम को ही बाहर आते हैं, अभी हम भी छत पे क्रिकेट लगाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे। उम्मीद है आपको मेरी फ्राइडे रूटीन पसंद आई होगी, आज का वीला पसंद आया होगा। अगर पसंद आया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, सलाम अलैकुम।